पंजाब के पठानकोट में मुक्तेश्वर धाम मंदिर पंजाब और हिमाचल के सबसे पवित्र स्थानों में से एक रावी नदी के किनारे शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। भगवान शिव के साथ साथ ही यह पवित्र धाम पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। भगवान शिव को समर्पित इस धाम में अमावस्या, बैसाखी, नवरात्रि और शिवरात्रि पर मेला लगता है, जिसमें पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ब्यास और चोच, इन दोनों नदियों के मिलन बिंदु पर स्थित यह शिव धाम छोटा हरिद्वार कहलाता है। यहाँ स्वयंभू आदि अर्धनारीश्वर शिवलिंग स्थापित है। जैसे हम अर्धनारीश्वर भगवान की प्रतिमा देखते हैं, जिसका आधा हिस्सा भगवान शिव और आधा हिस्सा माता पार्वती का होता है, ठीक उसी तरह से इस शिवलिंग का आधा हिस्सा भगवान शिव और आधा हिस्सा माता पार्वती को समर्पित है। शिवलिंग का अंतर ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है। पावन शिवलिंग अष्टकोणीय है और यह काले भूरे रंग का है। शिव रूप में पूजे जाते इस शिवलिंग की ऊंचाई 7 से 8 फीट है और माता पार्वती के रूप में जो आराध्य हिस्सा है उसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट है और शिवरात्रि पर दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान हो जाती है। कितनी हैरानी की बात है। शिवरात्रि पर यहाँ 3 दिन के लिए मेला लगता है। शिव और शक्ति के अर्ध नारीश्वर स्वरूप श्री संगम के दर्शन से मानव जीवन में आने वाले सभी पारिवारिक और मानसिक दुखों का अंत हो जाता है। इस पवित्र धाम को प्राचीन पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में युधिष्ठिर अपने अज्ञात वास के दौरान अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ यहाँ लगभग 6 महीने के लिए रहे थे। यहाँ गुफाओं में उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। 164 सीढ़ियां उतरने के बाद मंदिर परिसर में पहुंचा जा सकता है। मंदिर में 4 गुफाएं हैं जो अपने अस्तित्व के महाभारत कालीन होने की गवाही देती हैं। थोड़ा नीचे उतरने पर 2 गुफाओं में से एक बड़ी गुफा में मंदिर, द्रौपदी की रसोई और परिवार मिलन कक्ष आज भी है। बाकी 3 गुफाएं थोड़ा ऊंचाई पर हैं। इनमें से 1 गुफा में चक्की लगाई गई थी, जिसे भीम की चक्की कहते हैं। 3री गुफा द्रौपदी गुफा है और 4थी गुफा द्रौपदी की रसोई कही जाती है। मान्यता है कि इस गुफा में पांचाली भोजन बनाया करती थी। इस गुफा में दूध और भोजन का भंडारण किया जाता था। ऊपर वाली गुफाओं में से एक में अंगरक्षक सहायक तेली को रात में जगाते रहने के लिए एक कोहलू लगाया गया था। यह मंदिर रावी नदी और चट्टानी पहाड़ियों के सुंदर दृश्यों से घिरा हुआ है। सड़क के किनारे पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। यहीं से रावी नदी के बहने का शोर सुनाई देना शुरू हो जाता है। काफी गहराई में पहाड़ियों के बीच नदी की निर्मल धारा बहती दिखाई देती है। वास्तव में मुक्तेश्वर धाम मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ पर धार्मिक यात्रा के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी आया जा सकता है। अगर आप यहाँ कभी गए हों तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी जरूर बताना। धन्यवाद।